बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है, जिसने पूरी दुनिया को ज़िंदगी बख्शी और दोनों जान बख्शने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं सिकंदर लगारे, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अभी सुबह सुबह का तकरीबन 5:30 का टाइम है। माशाल्लाह से मैं नमाज पढ़ के अभी आया हूँ अपनी भैंस की चुवाई करने। भैंस आप देख रहे होंगे, अभी मैं इसकी चुवाई करूँगा और फिर इसको घास वगैरह पानी ला के इंशाल्लाह वापस सुबह सुबह के वक्त मज़े कुछ निकाला होता है। चुवाई करके घास वास डाल सुबह सुबह मैं इसकी चुवाई करके उसको घास वगैरह डाल के अभी वाक के लिए निकला हूँ। मैं आपको कुछ चीज़ दिखाऊँगा। आज हमारे ये आप देख रहे हैं, ये हमारा गांव का रोड है। आज इसको कारपेट किया जाएगा। मशीनें तो आ गई हैं, मज़दूर भी हैं, पता नहीं आज होगा अभी रात को करेंगे, पता नहीं। ये देखिए मशीन, इसके मजदूर मशीन पड़ी। मजदूर दूसरी मशीन, देखिए आज इंशाल्लाह आज यहाँ आपको हो सकता है यहाँ से ये रोड कारपेट होगा। आगे तक गाँव की दुकान है, स्टाफ है, वहाँ तक जाएगा। सुबह 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 की वाक का जो मज़ा है वो आप मैंने 2 घंटे जिम में जा कर गुजारे, वो जो वाक है उसका नंबर बदले नहीं। सुबह सुबह की ग्रीनरी, ये देखें ये ग्रीनरी, ये हमारे स्कूल का गर्ल्स मिडिल स्कूल बना तो है, बल्कि बना तो था, अभी बिल्डिंग तो है, मगर जबूनहार चलने से पहले ही ये ख़त्म हो गया। ना इसकी ऐसे नहीं मंजूर हुई, ना टीचर्स आए। इसको बने हुए तकरीबन 15 साल का लगभग मेरे ख्याल में हो गया होगा, ऐसे भी हो सकते ज़्यादा हो, मगर बना तो सही, बिल्डिंग तो भी है, मगर चल नहीं पाया गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से। गवर्नमेंट बिल्डिंग तो बना देती है। सुबह सुबह ग्रीन भी देखें, ये गन्ने का फसल, आगे इधर प्याज का फसल, उसका कपास का फसल। देखें अभी मेरा जॉब का टाइम है, इस वजह से थोड़ी बहुत फिर आगे मिलते हैं आपसे। हो सकता है मैं कुछ वर्कआउट करता हूँ, वो भी आपको दिखाऊँ इंशाल्लाह। जी दोस्तों, ये देखिए पसीना, ये 2.5-3 किलोमीटर वॉक और जॉगिंग के बाद वर्कआउट करता हूँ 10-15-20 मिनट। ये देखिए वर्कआउट में कुछ कमर की एक्सरसाइजें होती हैं, कुछ गर्दन की, कुछ छाती की, कुछ टांगों की। ये देखें पसीना। अगर सुबह सुबह आदमी पसीना इतना पसीना निकाल ले, चाहे वो फिर वर्कआउट में या जॉगिंग में या रनिंग में, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 90-95% बीमारियाँ आपके नज़दीक नहीं आएंगी। ये सिर्फ लॉस वेट करने के लिए, लूज़ करने के लिए नहीं होती एक्सरसाइज। घर की तरफ रवाना की है इंशाल्लाह। अभी मैं घर जाके यूनिफॉर्म, अभी 2-2.5 ग्लास तकरीबन 1.5 लीटर मैं नींबू पानी पीऊँगा। नींबू पानी पीने से क्या होता है कि ये जो आप वर्कआउट में या जॉगिंग में जो एनर्जी लूज़ करते हैं, किसी हद तक नींबू पानी उसको उसकी कम उसका क्या करते हैं पुरावा कर देता है। अभी ये देखिए सुबह सुबह का जो एक्सरसाइज का मज़ा है, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि आप जिम में भले 3-2 घंटे बिता लें, हैवी मशीनरी से वर्कआउट कर लें, एक्सरसाइज कर लें,
मगर सुबह सुबह ये जो ग्रीनरी देखने का मज़ा, ये जो पंछी जो है जिनकी इनकी जो सिंगिंग होती है वो सुनने का मज़ा, उसका नैमुल बदले नहीं। ये आप देखें ये ग्रीनरी जो आपको ठंडक पहुंचाती है वो आप जिम में नहीं कर सकते, ये सुकून आप वहाँ हासिल नहीं कर सकते। आज व्लॉग को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया, दुआ में याद।